अब हम आपकी बात अंशिका ठाकुर जी से करवाना चाहते हैं, जिनके 633 अंक हैं 700 में से। तो आइए अंशिका जी, अंशिका ठाकुर जी आप कैसे करते हैं अपनी पढ़ाई? थोड़ा थोड़ा दूर से बोलिए। अच्छा, पेंटिंग दे देना चाहिए, मतलब आपकी कोशिश ये रहती है कि जो आज हमें स्कूल से काम मिला है उसको मैं आज ही फिनिश कर दूँ। ठीक, वेरी गुड, अच्छी बात है। तो घर वाले कितना कोऑपरेट करते हैं आपके साथ, आपको फोन क्यों नहीं करते कि पढ़ो बेटा पढ़ो? हाँ, घर पूरी होनी चाहिए। हाँ, तो इस तरह से ही मतलब वो करते हैं। आपके क्या करते हैं, पापा जी क्या करते हैं? शॉपकीपर कहाँ पर? आपके घर पर गेड़ी में यहीं पर? अच्छा, आपके मदर क्या करते हैं? हाउस वाइफ, वेरी गुड। और कौन कौन है आपके घर में, आपसे बड़े हैं दोनों ही? अच्छा, कितने कौन सी क्लास में पढ़ते हैं? अच्छा, पास आउट है यहाँ से। अच्छा, उनके कितने मार्क्स आए थे प्लस टू में? वेरी गुड, प्लस टू के टेंथ में, टेंथ में टॉप किया था उन्होंने और आपने सेकंड पोजीशन ली, वेरी गुड, ये तो बहुत अच्छी बात है। कितने नंबर आए थे उनके, याद है कुछ आप? 638। क्या नाम था आपके भाई का? अभिषेक ठाकुर। तो अभिषेक ठाकुर जी वो आई थिंक 2013 में होंगे सर, आई थिंक 2013 में होंगे, अभी तो पास आउट है, प्लस टू पास आउट है, प्लस टू में। अच्छा, 2014 में थे वो। ठीक ठीक, 638 आए थे उनके। क्या नाम था उनका? अभिषेक ठाकुर। और बताइए आप अपने बारे में, कैसे आप अपनी पढ़ाई मैनेज करते हैं, क्या है आगे आपका मोटो, क्या है आप क्या करना चाहती हैं आप अपनी लाइफ में? डॉक्टर बनना चाहती हैं आप? तो अभी आप प्लस वन में क्या रखा है आप? मेडिकल है आपका, वेरी गुड। तो मेडिकल में आपकी अपनी पढ़ाई कैसे करोगे मैनेज? आप कुछ टारगेट तो आपने बनाया होगा अपना कि मैंने इस बार प्लस वन में सबको ओवरटेक करना है, मैं अपनी क्लास में फर्स्ट आऊंगी। तो ऐसे हर हर स्टूडेंट का एक मोटो होता है, तो आपने ऐसा कुछ सोच रखा है? हाँ, नेक्स्ट ईयर में पूरी करनी है और मुझे टॉप आना है, तो उस हिसाब से आपको पढ़ाई करनी पड़ेगी। तो अभी से आपने अपना एक मतलब एक पैटर्न बनाया हुआ है घर पे कि मैं सुबह कितने बजे उठते हैं आप? मतलब सुबह आपका जो उठने का टाइम है वो सेम टाइम है, शाम को चाहे 11 बज जाए 10 बज जाए उसमें कोई वो नहीं है, लेकिन सुबह उठने का टाइम एक रखता है आपने। तो सुबह कुछ योगा वगैरह भी करते हो अपने माइंड को फ्रेश करने के लिए? बेटा मुझे एक बात बताओ, आपके 633 नंबर आए हैं आपके, मुझे एक बात ये बताओ आप कि आपकी कक्षा में और भी स्टूडेंट हैं, आपकी फ्रेंड्स हैं, आपके फ्रेंड हैं, ठीक है, तो वो भी पढ़ाई के लिए उतना ही टाइम दे पाते हैं जितना आप दे पाती हैं, ऐसा कुछ आपको महसूस होता है? हाँ, अच्छा, बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल। अच्छा, तो आपको लगता है अभी कॉपरेट तो करते हैं, लेकिन ये बात है कि हमारा माइंड जो है वो कितना कैच करता है, तो ये एक मतलब आपको क्या लगता है, आपको वो वीक पॉइंट है या फिर क्या है ये? अलग अलग ना सोचें कि अभी मैं पढ़ रहा हूँ तो चलो खेल भी लेता हूँ, खेल रहा हूँ तो चलो किसी के घर ही हो आता हूँ, तो इस तरह की जो फालतू एक्टिविटीज है उनको उनके ऊपर रुकावट रखनी पड़ेगी, तब जाके आपका टारगेट जो है वो अचीव होता है। ठीक, तो अंशिका ठाकुर जी थैंक यू वेरी मच, आई होप दैट के
है।